यह फिल्म थी अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी जी की सुपरहिट फिल्म खुदा गवाह। इस फिल्म की शूटिंग 1992 में हुई थी और उस समय अफगानिस्तान में जंग चल रहा था। 1989 में USSR के हमले के बाद 1990 के दशक में अफगानिस्तान में कई आतंकी संगठन अपने पैर पसार कर फैले हुए थे। ऐसे समय में उस देश में शूटिंग करना वैसे भी आसान नहीं लगता है और ना आसान हुआ था। और उसी दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अमजदई हुआ करते थे। जब खुदा गवाह बनी थी तब सिर्फ सोवियत संघ के कारण ही अफगानिस्तान परेशान था, लेकिन उस समय भी लगातार सड़कों पर टैंक चलते थे, बम। राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे और उन्हें हिंदी फिल्मों का शौक भी था। इस फिल्म की शूटिंग को लेकर अमिताभ बच्चन जी ने अपने ब्लॉग में यह भी लिखा था कि यह मेरी जिंदगी की बहुत यादगार ट्रिप रही है और यहाँ सुरक्षा का खतरा था ही, क्योंकि सड़कों पर टैंक और बंदूकधारी सैनिक चलते रहते थे। उस समय कुछ अफगानी सरकारों ने हमें न्योता दिया था और हम एक चौपर में बैठे थे और अन्य 5 चौपर हमारे पीछे चल रहे थे। अफगानी पहाड़ों के बदलते रंग, जहाँ खूबसूरत पहाड़ पहले बैंगनी, फिर गुलाबी और फिर लाल दिल रहे थे, क्योंकि उनमें खसखस उगाई जा रही थी। बहरहाल आपको ये फिल्म कैसी लगती है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।